welcome to India's Laughter Champion. The moment you are all waiting for is here. India's Laughter Champion ke semi-final episodes ki shuruaat hone ja rahi hai. आज स्टूडियो में कुछ चमक रहा है और कुछ धमक रहा है. अर्चना, तुम बता सकती हो ये धमक चमक क्या है? ये शाइन है उस ट्रॉफी की जो हमारा विनर ले जाएगा, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन ले जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ब्यूटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इट इज. और विनर सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीतेगा, साथ में विनर पर धन की बारिश होगी. और कितने धन की बारिश? 1 लाख? 2 लाख? नहीं, 10? नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 25 लाख की बारिश. Shall we begin? Yes, let's start. We're all excited. Yes. Please take your seats. Thank you. आज लाफ्टर का धमाका करने आ रहे हैं रजत सूद फ्रॉम दिल्ली, रामेश्वर भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी, विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई, and Himanshu Pavandar from Ujjain MP. एक बार आपने हरियाणवी सुन ली ना, तो आप उसका मजा बार बार लेना चाहते हैं. और हमारे सरपंच हरियाणवी ह्यूमर के किंग हैं. तो चलिए उनका फिर एक बार स्वागत करते हैं. प्लीज वेलकम पोएट, सटायरिस्ट, परफॉर्मर और एंटरटेनर अरुण जेमिनी. अरे जेमिनी साहब, ये मतलब अच्छे दिख रहे हैं. शुक्रिया. बहुत 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 अच्छे दिख रहे हैं. आप तो खैर हमेशा ही अच्छे लगते हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो इन्हें बधाई देता हूँ, ये सेमीफाइनल में पहुंच गए. धन्यवाद. रोशल आहा, ये हिंदी भी ऐसे बोलती है जैसे अंग्रेजी बोल रही. हिंदी इसके मुंह से धन्य हो जाती है, सही बता रहा हूँ. और हम तो हरियाणा के जी, हम तो अंग्रेजी भी ऐसे बोलते हैं, उसका भी हरियाणवीकरण कर देते हैं. हरियाणवीकरण? हाँ, हम अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं, बोले हाउ डू डू रे, तो रे लगाते ही काम हो लेता है. वो एक ने एक से कहा हाउ डू डू रे, दूसरा बोला फाइन सूम, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ. तो ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन. हरियाणा के आदमी की अंग्रेजी ऐसी होती जी. वो दो बुजुर्ग बैठे थे, एक अंग्रेज आया पता पूछने, उसने अंग्रेजी में पता पूछा, अगले वो कहाँ अंग्रेजी आवा है, उसने फ्रेंच में पूछा. अब जिसे अंग्रेजी नहीं आ रही उसे फ्रेंच कहाँ से आई, फिर उसने इटालियन में पूछा, फिर रशियन में पूछा, बेचारा थक हार के चला गया. तो एक ने दूसरे से कही, बोले कुछ भी हो यार, एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, वक्त बे वक्त काम आती है. बोले उसने चार आवे थी, कोई काम आई. ये जो हरियाणवी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हर चीज देखने का मजेदार. नहीं, फिर भी हम पता बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है. आजकल के बच्चे तो थोड़े पढ़े लिख गए ना. तो एक ना अंग्रेजी ने पूछा एक लड़के से पता अंग्रेजी में, तो उसने जवाब दे दिया साहब, बोले गो स्ट्रेट एंड आस्क अगेन. वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा, तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था, वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था. अच्छा. पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला, बोला एक तरफ से रख ले, एक सवारी और बैठेगी. वो आदत पड़ जाती है. जी, वो एक अफसर की पत्नी को मायके जाना था, बोले मायके जाना है, बोले ऐसे नहीं, एप्लीकेशन लिखो. अच्छा. उसने एप्लीकेशन लिख के दी, तो अगले ने उस पर ये लिखा, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक पद पर बने रहो. बहुत अच्छा. तो ये आदत पड़ जाती है जी.
वो एक की शादी हो रही थी, आप जानते हैं जब फेरे होते हैं तो चार फेरे में लड़का आगे रहता है, फिर तीन फेरे में लड़की आगे रहती है। हाँ, और फिर आगे ही रहती है। हाँ, आगे ही रहती है। तो चार फेरे हो गए तो पंडित ने कहा जो है लड़की आगे रहेगी। वो लड़की आगे चली, लड़के ने फौरन क्रॉस कर गए उसके आगे। जैसी फिर आगे चली वो फिर आगे। बोले अजीब आदमी है, इतनी देर से समझा रहा हूँ इसे। बोले दरअसल कसूर इसका नहीं है, ये रोडवेज में ड्राइवर है। आदत में मुझे पिताजी की कविता याद आ गई। एक अध्यापक की हुई शादी, सुहाग रात को अपनी आदत के अनुसार प्रश्ना की झड़ी लगा दी। हाँ। बोला तेरा नाम? चंपा से या चमेली? कौन कौन सी थी तेरी सहेली? अपनी और अपनी सहेलियां की सही सही उम्र बता। तेने मैनर सामने से के नहीं, पलंग पे सीधी खड़ी हो जा। तेरे कितने भाई बहन उनके नाम बता। तेरा बाप महीने में कितना कमावे से उसका काम बता। जन्म से लेके आज तक देखी हुई फिल्मों के नाम बता। और कौन सी फिल्म किसके साथ देखी, जोड़े बना। अपने घर का भूगोल समझा और परिवार का संक्षेप में इतिहास बता। सुनकर ये ढेर सावर सवाल, बेचारी दुल्हन का हो गया बुरा हाल। तो उसकी कमर थपथपाते हुए उसे हौसला देते हुए बोला घबरा मत, हिम्मत तक काम ले, इन्हीं पांच प्रश्न के उत्तर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जेमिनी साहब, मिलते हैं आज इनसे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शो। आर यू गाइस रेडी? इन दोनों को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, हमेशा झगड़ा करते हैं। आ रही है ड्रामेबाज एना और बेचारा विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई। नहीं, तू मेरा टैलेंट क्लियर करने जा रही हूँ, इधर से नहीं, स्टेज से नहीं आ रही। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है, रुक जा ना यार, थोड़ी देर रुक जा। नहीं, मैं जा रही हूँ इधर से, देर को नहीं रुकना। शेखर सर, रोक लो आपकी एना को। एना, रुक जाओ ना। शेखू, हाँ जी, आपने दाढ़ी छोटी की है ना? हाँ, थोड़ी। ने सब नोटिस कर दिया। अर्चना जी, ये साना, आपने तो दाढ़ी छोटी की है। तुम माइन्यूटेस्ट डिटेल नोटिस करती हो, आप पता चला मुझे। चलो अभी तो एक्ट नहीं, अभी मैं घर से जा रही हूँ। अरे ऐसे नहीं, सुरेंद्र भैया बजाओ। नहीं नहीं नहीं, तो जाएगा तू। हाँ, तेरे को तेरे गले में लटके हुए तदलों की कसम। गले में लटके हुए। ये क्या हो गया तुझे है ना? स्टारडम। स्टारडम। मुझे लोग पहचानने लग गए, मेरे साथ सेल्फीज ले रहे, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे। तेरे को तो गली का कुत्ता नहीं पहचानता। कितने देशुमार फैन के बाद मैं तेरे साथ काम करूंगी। तू कहना क्या चाहती है? कि तू पैसा निकाल और हाथ भी निकाल। मेरे को आज बड़े बड़े लोगों के ऑफर आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग? हाँ, मैं निका के साथ एक फिल्म कर रही हूँ। निका के साथ कौन सी फिल्म है ना? एना निका। और उस फिल्म का एक सीन देखोगे ना? हाँ। तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। अच्छा, कौन सा सीन? एना सीन। निकल इधर से। मैं क्यों नहीं? आ सॉरी, नहीं, निकल इधर से। एक मिनट, ये नए नए कलाकारों को क्या हो जाता है यार ये आजकल के? थोड़ा सा फेमस हो गए तो इतने चौड़े हो जाते हैं कि अरे मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अपनों को ये भाव देना बंद कर देते हैं यार। एक काम कर, तेरे को नहीं करना है ना मेरे साथ काम, मत कर, तू जा इधर से। मैं जा रही हूँ। अजा, मैं सच में जा रही हूँ। अजा जा, रोक मत मेरे को। नहीं रोकूंगा। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, रोक मत मेरे को, मैं जा रही हूँ। हाँ, जा 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 जा, पहले देख के जाऊंगी कि तू मेरे सिवा करेगा क्या। ठीक है,
मैं तुम्हारे बिना काम चला लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुछ नहीं कर सकता, स्टेज पे खड़ा रहेगा थोड़ी देर और फिर बोलेगा थैंक यू गाइस दैट्स माय टाइम, इतना ही आता है इसको, इससे कुछ नहीं हो सकता है। क्यों सुरेंद्र, इसका कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। और आप लोग सुनोगे मेरी बात, क्योंकि ये है नम की बात। अरे अंकल जी आप यहाँ? अरे अंकल जी, अंकल जी तेरा बाप है ना? अरे बाप। ए, तुम इन सबको बताओ तुम कौन हो? नाचू तो जितेंद्र, मारू तो धर्मेंद्र, रोऊ तो राजेंद्र, हेलो माई सेल्फ बंदर। तो तुम बंदर? हाँ। तुम्हारे पापा का नाम? दौड़ा बंदर, बड़ा बंदर। अच्छा, और मम्मी का नाम? डॉल्फिन। डॉल्फिन? अकल नहीं है क्या तुमको? जब दांत बंदर है तो नात ही दंदरिया ही होगी ना। Yes, 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 yes. I hate him, but he's right. Yeah, तेरी तो लग गई। ये है ना तेरे हाथ में क्या लटक रहे? हाँ वो मेरा हाथ टूटा था, डॉक्टर ने रॉड डाला है। अच्छा बंदर, वैसे तुमको इतना बाल बाल है, तुम क्या शेविंग या फिर ऐसा ट्रिमिंग वगैरह नहीं करते हो क्या? मैं एक बार शेविंग करके गया था, सिग्नल पे खड़ा हो गया था तो पीछे लाल बत्ती समझ के ट्रैफिक जाम हो गया। और फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरा लाल बत्ती तोड़ दिया। ए औरत, औरत पनिश नहीं है क्या तुमने? हम तुम्हारे फोर फादर हैं। तो बाकी तीन किधर है? नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। हाँ, हम तुम्हारे पूर्वज और राधेशान हमारे पूर्वज। देखा, तू जाना इधर से, तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तू जा इधर से, मैं जोक सुनाता हूँ, एक तुम लोग टेंशन मत लो। कौन सा जोक सुनाओगे? एक हाथी और एक चींटी। अरे ये हाथी चींटी के जोक सुना रहे? मैं बंदर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे जोक सुना सकता हूँ, मैं ऐसे भी जोक सुना सकता हूँ। अरे जोक क्या, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा एक्ट के बीच में। तक 1, 2, 3, 70, 60, 110। ए भाई, एब्स बन जाएंगे। तू जोक सुना ना। हाँ, तो एक बार चीटी निसिस हाथी को कहती है कि अपने मर्द को संभाल के रखो, रोज छेड़ता है मुझे। हाय हाय। वरना हमारे घर में भी मर्द है, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, बहुत ही येड़ा है। हाँ मैं येड़ा ही हूँ, मैं रजत थोड़ी हूँ। रजत, रजत सूद। हाँ, ये वही है ना जो तोनेड़ी 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 द्रेकत 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 करके रोते रहता है। हाँ। शेखर जी। हाँ जी। हमको इतनी दंदरिया छोड़ के चली गई। हाँ। हम तोनेड़ी वानेड़ी नहीं करते, हम दूसरी दंदरिया को लटक लेते हैं डायरेक्ट। बड़ा ढीठ बंदर है। ढीठ क्या, चार दिन के बाद पता चलता है कि वो सेम दंदरिया जो हमको छोड़ के चली गई। ये मेरे को सच में टेंशन दे रहे हैं। अच्छी बात है तुम्हें ये, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हो ना, तुम जाओ ना अभी इधर से। मैं कहा, तुम कहा। हाँ वो तो सही है। ए, ए, तुमको बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी है करे। पांडे दिखने आए इसलिए बच गया तू, नहीं तो तेरा खोतड़ी तोड़ देती ने। वो छोड़ो, सुनो, तुम अभी एक मिनट चुप रहो। बंदर सुनो, तुम इतने टाइम से थे अंदर। ओह वाह। तो तुम कुछ खाओगे पियोगे? हम इंसानों से कुछ नहीं खाते। क्यों? क्यों? अरे हमको हमेशा मूंगफली डाल के चले जाते हैं। है। एक दिन हमने कहा हम मूंगफली नहीं खाएंगे। है।
केला पकड़ा के चले गए। केला पकड़ा दिया उसका। ठीक है ठीक है। अंदर तू जा इधर से। ए, तू जा इधर से। नहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं जाऊंगा। ये कौन जा रहा है? तू ना जा। एक एक मिनट। तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ पर आए हो ना, तो सबको पहले मिल लो। प्रणाम। टार्जन मूवी देखे हो? कुछ दिन तो गुजारो जंगल ने। सॉरी 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 सॉरी। क्या ये सब फालतूगिरी? इधर मत करो। ने अंदर हूँ, मेरा चलता है। शेखर भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अर्चना भैया प्रणाम। अरे भैया नहीं है वो। ओ सॉरी 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 सॉरी। अर्चना दादू जी प्रणाम। तेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या? बंदर की औलाद रुई के पैदाइश। रुई ए ए इतना नहीं बोल सकते हैं तू? तेरे को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? उसको बंदरों से बात करने की तमीज नहीं है? निकल इधर से। तू निकल इधर से। मैं क्यों निकलूं? मैं क्यों निकलूं? मैं नहीं निकलूंगी। मैं नहीं निकलूं। ए एक मिनट यार, ये दोनों तो मेरे से भी ऊपर उठ गए। तो तू नीचे से निकल जा। वेरी नाइस वेरी नाइस अमेजिंग। शेखर जी। हाँ जी। अर्चना जी। हाँ जी। आप लोग भी निकल जाओ। क्यों बे? हम दोनों शो जज कर लेंगे। एक मिनट। एक बंदर और एक पापी गुड़िया कभी शो जज नहीं कर सकते। शो के शुरुआत से तो कर ही रहे हैं। जोक चुराती है मेरा हरान खोर। तुम लोग एक मिनट यार, तुम लोग झगड़ा मत करो। आंडे इसको इधर से निकाल। आंडे तू इसको इधर से निकाल। तू जा इधर से। तू जा इधर से। नहीं की जाओ। नहीं की जाओ। नकल मत कर। तू नकल मत कर। ये नकलची बंदर है। ये नकलची बंदर है। आंडे नहीं जा रही हूँ यहाँ से। आंडे नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो एक नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं तो एक नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। तूने इसकी आवाज कैसे निकाली? अच्छे से नकल कर लेता हूँ। नहीं जा रही हूँ तो एक नहीं। नहीं जा रहा हूँ तो एक नहीं। नहीं जा रही हूँ। तेरे नहीं जा रहा हूँ। क्या तेरी तो तेरे डॉल्फिन की आँख। वाओ वाओ वाओ। तो कितना फैलू बंदर था रे। तो तुमने आज क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि धन दौलत शोहरत गाड़ी दंगला पैसा ये तो आता जाता रहता है, मगर हमारे पुराने दोस्तों को कभी नहीं धोलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे बहुत अच्छे भाई। वाह वाह वाह। Vignesh, that was an unbelievable performance. And Anna, I am falling in love with you hopelessly. Yeah. Vignesh, आज जो तुमने कमाल दिखाया, you know the best part of your craft is they all come alive. मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी भी वो कूद के निकल आएगा. और now I see her as a character. जो मैं इसको देखता हूँ Anna को, I feel she is a living character. Anna, that's for you. Big round of applause for both of them, Anna. And you didn't name the monkey, thank but you. This was a mesmerizing performance. Thank you so much. मैं हमेशा से कहती हूँ कि दो जनों की कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है एक ही बंदे को. आज you have taken it to some next level. आप तीन जनों की कॉमेडी, उसकी टाइमिंग, उसके पॉजेस और आपकी फिजिकल प्रावेस है जो ये कर रही है. एक हाथ से मुंह बिना चलाए दिखाए आप एना का डायलॉग बोल रहे हैं, फिर आप बंदर का भी डायलॉग बोल रहे हैं, खुद के भी डायलॉग बोल रहे हैं. एंड थैंक यू. एंड द एटीट्यूड एना हैड, मैंने सोचा कमाल है, वो बंदर डबल एटीट्यूड लेके आया. एना एना इधर आ जाओ. आई 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 अच्छा. अरे अरे एक हाई फाइव. हाई फाइव. हाई फाइव. क्यों
क्योंकि वो बंदर को बंद कर दिया आपने। क्या कमाल रोशेल, बंदर को बंद कर दिया, वाओ फैंटास्टिक, यू आर लर्निंग द आर्ट नाउ, कमाल। विघ्नेश आप कॉमेडी की होप हो, लाफ्टर की तोप हो। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. इस कॉमेडियन को माइक की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी आवाज दमदार है और कॉमेडी भी। हम इन्हें उज्जैन एक्सप्रेस कहते हैं और ये एक ही ट्रैक पे चलती है, द लाफ्टर ट्रैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिमांशु बवंडर फ्रॉम उज्जैन एमपी। तो मित्रों, मैं आज की शबे विशाल माहो अंजुम के बीच तमाम आकर बे जवान अफला के मुअल्लिम हाजरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। देखिए सर, ये खासियत है, समझ में किसी के नहीं आया लेकिन वाह वाह कर रहे हैं। मैं बोलने वाली थी, समझ में नहीं आया। अर्चना मैम, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों? भारत में वो चीज बहुत चलती जो किसी के समझ में नहीं आती। राधा श्याम जी, हमारे देश की राजनीति 47 से चल रही है, आज तक किसी को समझ में नहीं आई। और यहाँ बेटा हर व्यक्ति गवाह, इतिहास उठा करके देख लीजिए, वाय दिस कोलावेरी डी से लगा के अमेरिका से ले लो तो तक कच्चा बादाम। किसी के समझ नहीं आता। किसी के बाप के समझ में नहीं आया, लेकिन चल बहुत रहा है। एक प्रश्न सुनकर दिमाग खराब हो गया सारा का सारा। क्या कालजयी प्रश्न था कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और विघ्नेश भाई, दिक्कत लॉकडाउन में बहुत बड़ी, एक समस्या थी खड़ी, एक प्रश्न इतना बड़ा था, बताइए इस कलेश में, इस भसड़ में और इस रोड़े में कौन था। आप ही बता दीजिए अर्चना जी, रसोड़े में कौन था। बहुत बड़ा प्रश्न है यार, रसोड़े में कौन था। दोस्तों को बात बात पर जबरदस्ती डांटना, बाथरूम में बेसुरा गाना, खाना खाके पर्दे में हाथ पोछना, बिना सोचे बोलना, पत्नी को जबरदस्ती जगाना जब खुद को नहीं आ रही हो निंदिया। शेखर जी, देर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपन ओनली इन इंडिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, या दैट गो विद द सेम। मतलब दूसरे देश के लोग बाग नसीहत देते हैं, बोले मेहनत करा कर बेटा एक दिन कामयाब बन जाएगा, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गुरु तुम्हारे दोनों दांतों के बीच में गैप है, पैसे वाले बनोगे। पूरी दुनिया से अंग्रेज आते हैं आगरा ताजमहल देखने, हम जाते हैं अंग्रेजों की लुगाइयां देखने। मेंटलिटी हमारी कभी जाएगी नहीं। अब अगर ये है ना इतनी संपन्न हो जाए कि हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाए तो भी धनिया फ्री में ही मांगेगी। दूसरा, आप राधे श्याम भारती जी को देखिए, कैसे बन ठन के बैठे हैं शेखर बाबू। राधे जी का वक्त आने दो, बताएंगे। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इस देश में। जिस दिन घर की सफाई करते हैं शाम को आंधी आ जाती है, जिस दिन नहीं करते मेहमान आ जाते। इसमें कमाल ही होता है भाई, हैं? देखो आप जरा सी हवा से उड़ जाए और नाम बवंडर। सरपंच महोदय, गजल में हर्फ का और नुक्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप कितनी बड़ी बहर की गजल लिख लीजिए, नुक्ता तो यही लगेगा। तो मुझसे इन्होंने पूछ लिया, विघ्नेश भाई ने, बोले हिमांशु स्वार्थ क्या होता है? मैंने कहा देखो मैं विदेश तो नहीं गया लेकिन अपने देश का बताता हूँ कि स्वार्थ क्या होता है। अर्चना जी, जब अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का रोता है तो सिर में दर्द होता है। जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है। और दूसरे की, महोदया आपके पड़ोसी की स्माइल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे की बीवी रोती है तो कहाँ दर्द होता है।
कहां से चले थे, हम कहां आकर के रुक गए। पहले फिल्टर पानी साफ करने के काम आता था, आजकल चेहरे साफ करने के काम आया। लेकिन हम किसी भी मस्ती में रहे, किसी भी दुख में रहे, हंसी के फव्वारे छूट जाते हैं। हम अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो रिश्वत दे के छूट जाते हैं। सर, जो आशिक अपने घर वालों के डर से अपनी प्रेमिका से बाथरूम में बैठ के बात कर रहा है और फोन पे क्या बोल रहा है, जाने मन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको किस बात का डर। तो सर आप देखिए, इंग्लैंड में होती इंग्लिश किस, yes. फ्रांस में होती फ्रेंच किस, और हमारे यहाँ होती जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो कोई देख लेगा। अनुभवी बयान है ये। अनुभवी मतलब अनुभव सिर्फ देखने का ही है मैडम, करने का बिल्कुल नहीं। नहीं, अब करोगे, टर्टल नेक पहन लिया है ना, अब करोगे। सर, टर्टल को भी जब डर लगता है ना तो मुझे अंदर कर लेना। तो अंदर करके कर लेना। कोई नहीं देखेगा। पता है अर्चना जी, अनुभव भी लोगों का ऐसा अनुभव लेकर प्रैक्टिकल करो ना तो फिर एक ब्रह्म वाक्य गूंजता है कि एक्सपीरियंस इज ओनली नेम गिवन बाय मैन टू हिज मिस्टेक्स। और ये जितने नव युवक बैठे हुए हैं या नव युवतियां बैठी हुई है, इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना गुरु, क्योंकि गोरे तो आजादी के पहले से ही बेवफा है। मैंने कहा तुम आज फॉर्म में हो। और सर, ये जो हम 135 करोड़ हुए ना, ये ऐसे ही नहीं हुए। आप ऑब्जर्वेशन देखिए, विदेश में अर्चना जी जैसे ही बारिश होती है, गपशप होती है, स्नैक्स परोसे जाते हैं, प्लीजेंट म्यूजिक बजता है, वो कमर में हाथ रख के करने वाला डांस, और इसके बाद कहीं रोमांस। भारत में बारिश हो, 5 मिनट में लाइट चली जाती है। शेखर सर म्यूजिक गया तेल लेने, उल्टा मोमबत्ती ढूंढने के चक्कर में बर्तन गिर के बजने लगते हैं। घर के बाहर कीचड़ हो रहा होता है, घर के अंदर मच्छर काट रहे होते हैं, लेकिन मजा ले भारतीय आदमी के रोमांस में 1 मिनट की कमी आ जाए। हमारे भारत में तो ठंड का मतलब भी यही होता है कि दिन छोटे और परिवार बड़े। दिन छोटे परिवार बड़े। और धन्य है ये महिलाएं। क्यों? आप लोग जादूगरनियां होती हो यार। क्यों क्यों? बिल्कुल, बाजार जाती हो तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और घर में कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये भारत की महिला है सरपंच महोदय, पति से 5,000 रुपए लेती है, 6,000 का हिसाब देती है और 2,000 बचा भी लेती है। क्या बात है यार, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सर देखिए, आप जब मायके में होती है तो रानी होती है, ससुराल में आती है तो उसको लक्ष्मी का दर्जा दे करके लेके आते हैं, और गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में उलझ कर वो बाई तक बन जाती है। इस प्रकार वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। यार कहां कहां से ला रहे हो। और अपने पति को अंग्रेज समझ के उस पर धावा बोल देती है। और वो बेचारा अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेने लगता है। जिंदाबाद। और सर, वो बेचारा रात को यही सोचता है, दो पैग पी के 10 बजे तक घर चला जाऊंगा, बाद में पैग 10 हो जाते हैं और वो बेचारा 2 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। बवंडर, आज ये यकीन हो गया और ये नाम जो है तुम्हारा जस्टिफाई हो गया, जो है पूरी तरह से तुम पे ही चरितार्थ होता है। थैंक यू सर। और तुमने उसको बहुत बढ़िया से जस्टिफाई कर दिया और आज तुम वाकई एक बवंडर हो। बहुत आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने एक इतना बेहतरीन, इतना वेल रिटन, वेल डिलीवर्ड एक्ट हमारे सामने पेश किया है। यू आर अ
powerful package. Thank you. Yeah. And I loved her. हम खड़े होते हैं. पवंडर जी, आप कॉमेडी के होप और लाफ्टर की टॉप हो. इनका भी दिल बहुत बार टूटा है, हर बार टूटा है, लेकिन ये फिर भी दिल लगाना नहीं छोड़ते. पोएट्री और ह्यूमर के मलम से अपना दिल जोड़ लेते हैं. प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूद. नमस्ते. नमस्ते, नमस्ते. नमस्ते. आदाब. आदाब. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. अरुण सर नमस्कार. नमस्ते जी. सर आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल. मैं भी दिल्ली से ही हूँ. तो मैंने एक चीज नोटिस की कि दिल्ली में कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा. जैसे मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया पुरानी दिल्ली छोड़ दोगे? कह रहा हम क्यों छोड़े. हमारा पुश्तैनी मकान है वहां पर. बाहर निकल जाएंगे किराया तुम्हारा बाप देगा. मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब मुझे छोड़ दोगे? करा तुमसे हमारा रिश्ता ही क्या है, जाओ छोड़ दिया. दिल्ली वाले. विघ्नेश भाई आपकी जिंदगी में ऐना वही किरदार निभा रही है जो मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड निभा रही थी. क्योंकि ऐना भी इनकी बेइज्जती ही कर रही है. और ये उस बेइज्जती से पैसा कमा रहे हैं. शेखर सर मुझे बस फक्र इस बात पर है कि हमने कम से कम इंसान से बेइज्जती करवाई है. ये बच्चों के खिलौने से ही करवाए जा रहे हैं. पर आपने एक चीज देखी, हर गली में ना एक अंकल ऐसे रहते हैं जो ना किसी की कामयाबी से खुश नहीं है. हमारी गली के वो अंकल थे गुप्ता अंकल. तो जैसे हमारे मेरा एक दोस्त था, वो पायलट बन गया पायलट. तो उससे आके कह रहे हैं देखो इतना हवा में उड़ना अच्छा नहीं, जितना जल्दी जमीन पे आ जाओ उतना अच्छा है. उसकी दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, उसने अहमदाबाद में लैंड करा दी. कह रहा अंकल आप खुश रहो, आपके चुल बहुत ज्यादा है. और मैम गुप्ता अंकल ना ऐसे पूरा दिन बालकनी में खड़े रहते हैं. सामने एक आंटी रहती है शोभा आंटी, ये पूरा दिन उन्हें चाय पर बुला रहे. शोभा जी आओ कभी चाय पे. शोभा जी. शोभा. 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 शोभा जी. शोभा जी आओ कभी. आओ कभी चाय पे. अंकल इतने भरे बैठे, मुझे लगता है किस दिन शोभा आंटी ने गलती से हाँ कर दी तो ये बालकनी से ही खींच लेंगे. कह रहे यहाँ बैठो तुम, बहुत देर कर दी आने में, चाय पियो. कहाँ थी है बच्चे. सर कई बार तो शोभा आंटी ने घबरा के पूछा ये चाय पर बुला रहा है या हवेली पर. और ये हर बार अलग बहाने से बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, दूध उबल गया. एक दिन तो हद ही कर दी, कह रही शोभा जी आ जाओ आ जाओ. शोभा जी ने स्माइल पास की, इन्होंने चाय चढ़ा दी. एक दिन हमने अंकल को समझाया, हमने कहा अंकल जी अगर शोभा आंटी के हस्बैंड को पता लग गया. अच्छा आंटी का हस्बैंड भी है. वो आपकी ऐसी प्याली भरेंगे जिंदगी भर केतली गर्म नहीं हो पाएगी. तब जाके अंकल थोड़ा रुके. तो मैंने तब पूरा शेर लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती. क्या बात. कभी कभी इरादे नेक हो तो औलाद भी बनती. उस पर भी आएंगे सर, आपका तजुर्बा ज्यादा लग रहा है. पर मैम आपने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में ना पीने वाले बहुत ज्यादा बदनाम है. क्योंकि हर परिवार में एक मामा थे जो पीकर बर्बाद हुए. हर परिवार में एक मामा थे और घर वाले आज तक उन्हीं का एग्जांपल दे रहे हैं. मैं मैम हल्का सा ऐसे यहाँ से ग्लास उठाता हूँ ना, मेरी मम्मी इधर से आ जाती है, कहती बताया था ना मामा बर्बाद हुए थे. वो करने ही नहीं दे रहे कभी भी. और मम्मी ने बताती भी ऐसी है कि बेटे तेरा मामा ना शराब को पानी समझता था. पानी. मैंने कहा कैसे?
सुबह उठ के शराब से धो रहे थे। ये कौन सा बंदा था जो लोटा लेकर कह रहा था चीयर्स? सड़क पर कर रहा है तो उसे ऑन द रॉक्स कह रहा है। ओह माय गॉड। बॉटम्स अप की जगह बॉटम्स डाउन मार रहा है। अरे बाप। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे, तो मम्मी कहती नहीं बेटे वो ना रोज पीता था, सुबह उठते ही गुटुर 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 गुटुर, फिर शाम में भी गुटुर 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 गुटुर, फिर रात में भी गुटुर गुटुर बुड़ुक। मैंने कहा ये बुड़ुक क्या है? कहती बेटे वो पीते पीते नाली में गिर जाता। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ना हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है। सबने देख रखा है, जैसे सर बॉलीवुड ने हमें शुरुआत से गुमराह किया। अच्छा। कोई भी रोमांटिक सीन आता था तो हीरो हीरोइन के ना चेहरे पर फूल आ जाते थे। ऐसे। और थोड़ी देर फूल करते थे गुल्लू 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 गुल्लू, और फिर गुल्लू गुल्लू करने के बाद घर में एक छोटा मेहमान आ जाता था। सर मैं छोटा था तो मुझे लगता था फूलों के मिलने से ही बच्चे होते हैं। और मैम हम ना तीन भाई बहन थे, मुझे घर में और भीड़ नहीं चाहिए थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं घर में और बच्चे नहीं होने दूंगा। मेरी बहन तो कह रही थी कि नहीं नहीं भैया लूडो खेलेंगे एक और आने दो, मैंने कहा नाइफ। मैंने कहा तू दो गोटी से खेल लियो। बच्चा और नहीं आएगा इस घर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छत पे जाके सारे पौधे अलग अलग रखे। मैंने कहा कोई सा फूल मिलने ना पाए। सब वो तो मुझे जिंदगी के कई सालों बाद पता लगा कि मैं छत पर फूल मिलने से रोक रहा था और कलियां कहीं और ही खिल रही थी। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब। तो तब मैं शेखर सर की बात से जोड़कर अगला शेर कहता हूँ कि बताते हैं सभी कैसे भला इंसान बनना है, बताते ही नहीं कैसे भला औलाद बनती है। इरादे नेक हो तो जिंदगी औलाद बनती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Rajat, you're so charming and that is why you have the star material, the star power. Brother. और ये स्टार पावर हमको चाहिए हमारे इंडियाज लाफ्टर चैंपियन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आप जितना चमक रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप एंड प्रे दैट यू विल चमकोफाई इवन मोर इन द फाइनल्स। तुम साधारण प्रतिभा नहीं, एक तो तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंडियरिंग है। वो ये कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जिस तरह से तुम खड़े होते हो, बोलते हो, इट्स वेरी लवेबल। तो मेरे लिए यू आर अ हीरो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। जो इसने अंकल का जिक्र किया तो मुझे जब 15 साल पहले एक लड़की ने जब मुझे अंकल कहा दिल दुखा, ओए तब मुझे पता लगा कि किसी महिला को आंटी कहने पे कितना कष्ट होता होगा। दूसरा आपने कहा कि दिल्ली वाले उल्टे जवाब देते हैं, देखो लोग जवाब उल्टे देते हैं, लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है जी, मैं दिल्ली में शॉपिंग मॉल में पत्नी को लेके गया तो एक दोस्त मिल गया, बोले हो भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए हो? मैं कहा ना, पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलवाऊंगा। For a spectacular, very different, very
engaging and intelligent performance. Thank you so much. आप comedy की hope हो और laughter की तो हो. Fantastic. Congratulations, Rajat Sood. Thank you so much. अगर मैं आपको कहूं कि हम आपको कॉमेडी भी देंगे और सीख भी देंगे, हम हंसाएंगे भी और सोचने पे मजबूर भी करेंगे, यानी 2-in-1 ऑफर. प्लीज वेलकम राधे श्याम भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी. राधे श्याम जी. हाँ. आप पर किसने ये हरा रंग डाला? आपने तो सभी जवानों को धो डाला. बहुत खूब. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां. व्हाट अ चेंज. फैंटास्टिक. उस दिन मैंने कहा था आदरणीय जी, तो आपको लग रहा था कि ये 72 को कि 22 को अपने को ऐसे ही बता रहे हैं. हो गया ना? हो गया ना. आप सभी को प्रणाम. पड़ा पड़ा. हास्य के विख्यात कवि आदरणीय जेमिनी जी, राम राम. राम राम जी. राम राम. हंस रहे थे हिमांशु. हिमांशु. मेरा बाल देख के. अच्छा. और मामला तो ठीक हो गया आदरणीय. हाँ, हाँ, बाल रह गए. हाँ, बाल रह गया. तो बाल देख करके हंस रहे थे. मैं कह रहा हूँ कि 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में. ये काला क्या है? लगते 10 मिनट काला बनाने में. क्या बात. और रजत जी, मेरा चेहरा देख के, मेरा बाल देख करके हंस रहे हो भाई. आपका चेहरा वैसा है, मेरा चेहरा सर वैसा है. ये वक्त है, वक्त का खेल है. और क्या है? वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया. लेकिन गुरूर मत करना, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया. वाह वाह वाह. अरे देख कर मुझको हंसो मत. मैं भी गब्बर था कभी. वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दी. क्या करूं? वाह. चुप करे. धन्नो ने किया. जेमिनी जी, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था. अच्छा, मैं बिगड़ ना जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया. पिताजी का ये अच्छा विचार था. मगर मैं भी होनहार था. उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई. मैं वहां भी अति प्रसन्न 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न. फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया. अच्छा. अर्चना जी, वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था. हाँ? 45 की ठुकाई करता था. हाँ, कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे. मैं शाम को पढ़ता जरूर. हाँ. फिर पिटता जरूर. हाँ. फिर रोता जरूर. हाँ, हाँ. जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है. अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे. जयमिनी जी, जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे. इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं. मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया. बहुत अच्छे. तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा. तो आप लोगों ने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान. जेमिनी जी, आह कब निकलती है? जब पड़ती. तो जितने कवियों को आप लोग देखते हैं ना, जिस पर जितनी जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता. हाय हाय. जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं. अच्छा. अरे, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं.
जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पीटे हैं हास्य की कविता सुना। ये सही बात है। दरअसल कवि को शादी जरूर करनी चाहिए। शादी करने से क्या है कि पत्नी ठीक मिल जाए तो जिंदगी ठीक हो जाती है, गलत मिल जाए तो फिर कविता ठीक हो जाती है। बहुत सही, बहुत अच्छा। अब आपने ध्यान दिला दिया पत्नी की बात, तो फिर अब सुनिए सर, आदरणीय अर्चना जी जी, कि देखिए मैं प्रयागराज से आया हूँ ना जी जी, वहाँ हर 12वें साल कुंभ का मेला लगता है। हाँ। हर साल एक महीने का माघ मेला लगता है। उस मेले में मैं एक चीज रीड कर रहा हूँ कई सालों से कि हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग अपने पतियों पर थोड़ा सा रहम किया करें। शेखर जी अब क्या बताऊं कि वो दर्द हम, ये क्या अर्चना जी उसको समझेंगे, ये रोशन जी क्या समझेंगे। रोज नया एक जख्म, जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती, और कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। आप लोग और थोड़ा सा इस शो को आगे चलाइए, मैं में ही रहूं, नहीं इतना परेशान हूं कि नया जमुना जी का ब्रिज बना है, अब की बार इरादा क्यों हूं जाके कूद जाऊंगा। और जैमिनी जी ये सोचिए, कभी आप लोग मंचों पर रखिए इस बात को, कोई सत्ता आए, कोई शासन हो, इन महिलाओं के अर्चना जी और रोसेल जी और तमाम महिलाओं के पक्ष में ही कोई ना कोई कानून इनको मजबूत करने के लिए सब बनाते रहते हैं, है ना। मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते। नारी ने दुख पाया इसका मतलब ही है कि पुरुष ने सताया। खाक सताया। मैं तो इतने बड़े मन से आज झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम सच सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं सताया। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। विदाई के समय रो रही थी शेखर जी, एकदम कसम खाक कह रहा हूँ, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको हमेशा सुख में रखूंगा, कभी कष्ट नहीं दूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। आप सभी लोग विश्वास करिए, एकदम मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, विश्वास करिए, मैंने कभी सर उठा करके नजर मिला करके उससे बात नहीं किया रोसिल जी। अच्छा। हमेशा बड़े अदब से उसको निहारता हूँ, उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूँ। फिर भी जाने के वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है, हे भगवान, पंडित जी बीबी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों समझ जाओ, कान खोल करके सुन लेना। हाँ, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। सही कह रहा हूं, शक मत करिए, पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। एक दिन ऐसे ही मुंह से निकल गया था कि सब्जी ठीक नहीं बनी है, बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। हवाई हमला, उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूँ, वो एक शब्द बोलती है मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूँ। मैंने जैमिनी जी दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं। अच्छा। मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले दो गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता। महिलाओं की सोच है भाई, भाई। क्या करें, अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई ना कोई शऊर सीख रहा हूँ, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूँ। बहुत अच्छा। जी हाँ, खींच रहा हूँ ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं
बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे सात जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है, मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत। अब मुझे लगता है ये सेमीफाइनल्स क्या है, मतलब ये तो ग्रैंड फिनाले की तरह, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। आपने हमें असमंजस में डाल दिया है कि हम क्या करें। अब ये जो अंक है ये बयां नहीं करेंगे कि असली में हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी आज ना जाए, ये मैं आपको प्रणाम करके कह रही हूँ। बहुत बहुत अरुण जी, आपको कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात, जो इन्होंने अंतिम पंक्तियां सुनाई ना, जी जी, वो दरअसल इसलिए सुनाई कि घर भी जाना है। लाग लपेट। और पति पत्नी के संबंधों पे तो हास्यरस रहता ही है जी। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। फिर रहने दे भाई। लेकिन एक चीज तो बोलनी पड़ेगी, एक चीज तो बोलनी पड़ेगी। राधे श्याम जी, आप कॉमेडी की नई होप हो और लाफ्टर की बड़ी होप। बोलो राधे राधे, राधे राधे। Let's hear it one more time. अब वक्त आ गया है जानने के लिए कौन बनेंगे फाइनलिस्ट। Are you guys nervous? Yeah, you are, aren't you? Ladies and gentlemen, there is a twist in the tale. आपने देखा कि किस तरह तोपे चल रही हैं, लेकिन तोप चलने का मतलब ये नहीं कि आप फाइनल में जा रहे हैं। हमारे जजेस ने डिसाइड किया है कि दो और सेमीफाइनल्स होने के बाद ही हम चुनेंगे हमारे फाइनलिस्ट को। सो द रेस to the finals is still on. But congratulations. Thank you so much. You are all there. Nobody is eliminated today. So see you next time on India's Laughter Champion. This is me, your host, Rochelle Rao, saying ciao.